जय हिंद दोस्तों। आर्मी ऑर्डनेंस कोर यानी कि एओसी में वैकेंसी निकली हुई है। फायरमैन ट्रेड्समैन की भर्तियां हैं और काफी ज्यादा वैकेंसी निकली हुई हैं। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, नोटिफिकेशन में क्या डिटेल है और 10th पास सभी ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैं ये भी बताऊंगा जेसीओ ओआर कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे फॉर्म में कौन कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, इसके बाद बताऊंगा कि फॉर्म कैसे ऑनलाइन जाके भरेंगे। तो नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। बता दें 1793 वैकेंसियां हैं फायरमैन और ट्रेड्समैन मैट की, तो काफी वैकेंसियां निकाली गई हैं और 10th पास इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर ट्रेड्समैन है तो 10th नहीं 8th पास भी एक्स सर्विसमैन ट्रेड्समैन है तो अप्लाई कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले तो बता दें इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है, इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं ट्रेड्समैन मैट की जो वैकेंसी है वो 1249 वैकेंसियां हैं, फायरमैन की जो वैकेंसियां हैं वो 544 वैकेंसियां हैं। इसमें अनरिजर्व के लिए दी गई हैं एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी दी हुई है। एक्स सर्विसमैन की आप देख सकते हैं ट्रेड्समैन मैट की है 125 वैकेंसियां, एमएसपी यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन की वैकेंसी 62 है, पीडब्ल्यूडी की 49 वैकेंसी है, फायरमैन की देख लेते हैं एक्स सर्विसमैन की 54 वैकेंसियां हैं, स्पोर्ट्स पर्सन की 27 है और पीडब्ल्यूडी की 20 वैकेंसी है। पे लेवल 1 मिलेगा ट्रेड्समैन के लिए 18,000 से 56,900 ये सैलरी रहेगी और फायरमैन की सैलरी पे लेवल 2 की रहेगी 19,900 से 63,200 रुपए। इसमें एक्स सर्विसमैन का जो कोटा रहेगा अपनी ही कैटेगरी में रहेगा। बता दें बहुत ही अच्छा मौका है ट्रेड्समैन एक्स सर्विसमैन है उनके लिए और जीडी टेक्निकल या क्लर्क एक्स सर्विसमैन है उनके लिए। क्लर्क और ट्रेड्स जीडी टेक्निकल वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं फायरमैन के लिए, ट्रेड्समैन है तो वो ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं, इसकी लास्ट डेट है 26/2/2023 तक फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। फरवरी 26 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, 6 फरवरी से इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। इसके लिए बता देते हैं कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नोटिफिकेशन डिटेल पढ़ना है देखना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसमें ऑर्डिनेंस की वेबसाइट में आएंगे, इसमें आप देखेंगे कि लॉगिन नेम और पासवर्ड दिया हुआ है। अगर आपने पहले ऑर्डिनेंस का फॉर्म भरा है तो इसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड फिल करके आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो पहली बार भर रहे हैं वो क्रिएट न्यू अकाउंट में क्लिक करेंगे क्योंकि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। तो क्रिएट न्यू अकाउंट में क्लिक करने से आपका फॉर्म भरेगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं जो भी पहली बार भर रहे हैं वो क्रिएट न्यू अकाउंट में ही क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू अकाउंट में जैसे ही क्लिक किया नया पेज खुलेगा, इस पेज में आपको अपनी डिटेल भरनी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, पहले रजिस्ट्रेशन होगा जिससे कि आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। इसमें एक मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो आपके पास रहे और ईमेल आईडी ऐसी होनी चाहिए जो आपके पास ओटीपी आएगा, दोनों ओटीपी आपके पास मोबाइल का और ईमेल आईडी का आएगा। सबसे पहले इसमें भरना है नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जिसका नाम 3 लेटर के हैं जैसे राम बहादुर सिंह तो राम इसमें लिखना है, बहादुर मिडिल नेम में लिखना है, सिंह इसमें लिखना है, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं राम स्पेस दे के बहादुर सिंह पहले में ही डायरेक्ट लिख सकते हैं, दोनों तरीका है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फादर का नेम डालना है, जेंडर आपको मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको डालनी है। नेक्स्ट इसको मैं भर भर के दिखा दे रहा हूँ, ये मैंने भर दिया है। अब इसमें मैंने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, इसके बाद पासवर्ड आपको ऐसा बनाना है जो आपको याद रहे और थोड़ा कठिन होना चाहिए, याद भी रहे कठिन भी होना चाहिए, वो पासवर्ड आपको दोनों एक बार बनाना है और उसका कंफर्म पासवर्ड डाल देना है, इसको याद रखना है भूलना नहीं है। इसके बाद ये कैप्चा कोड ये दिया है इसमें आपको फिल कर देना है और रजिस्टर लॉगिन में क्लिक कर देना है। जब रजिस्टर लॉगिन में क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा जो कि मोबाइल नंबर दिया है, जैसे मैंने ये क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं ईमेल पे नोटिफिकेशन आया है उसको मैं इसमें डाल दूंगा और मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है दोनों को ओटीपी को डालना है। ये ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा, नहीं अगर आ रहा है तो रीसेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे और अगर ये आ गया है तो ये दोनों डाल के इसके बाद ये कैप्चा कोड ये वाला फिल कर देना है, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है।
जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपका वेरीफाई हो जाएगा और आपका भर गया है। अब इसमें क्या करना है, फिर वापस ऑर्डिनेंस की वेबसाइट में आप आ जाएंगे। इसमें आपको अपना वही जो ईमेल एड्रेस आपने डालना है वो डाल देना है और पासवर्ड जो आपने डाला था वो याद था वही इसमें डाल देना है। इसके बाद ये कैप्चा कोड फिल कर देना है। ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद लॉगिन में क्लिक करना है। तो ये तीन चीजें भरने के बाद लॉगिन में क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये फॉर्म का अगला स्टेप आ गया। इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं सारे, में आपको टिक मारना है। ये जो साइड में टिक दिए हैं इनको टिक करना है, इसके बाद इधर टिक कर देना है और इसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना है। ये मैंने सारा टिक करके इसको क्लिक कर रहा हूँ। अभी जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो आपका जो आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सारी डिटेल आ गई है। अब आपने ये देख लिया कि ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, अभी आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फायरमैन या ट्रेड्समैन? मैं फायरमैन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अगर जो ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इधर से ट्रेड्समैन सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर आपका आ जाएगा, कौन सी कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद कैटेगरी, सब कैटेगरी कौन सी है, पीडब्ल्यूडी के हैं या एक्स सर्विसमैन है या स्पोर्ट्स पर्सन है, ये भी सेलेक्ट करना है। तो मैं एक्स सर्विसमैन हूँ तो एक्स सर्विसमैन मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट, ये भरने के बाद आप नेक्स्ट नीचे आएंगे। 10th पास होना इसमें जरूरी है, तो 10th पास फायरमैन के लिए मांगा गया है तो 10th पास ऑटोमेटिक इसमें ले लेगा। अदर रिलैक्सेशन अगर किसी चाहिए, डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सन है, डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो इसमें टिक करना है। एक्स सर्विसमैन आर्मी मेडिकल कोर्स से हैं या शॉर्ट सर्विस कमीशन से हैं तो इसमें टिक करना, नहीं तो ये खाली छोड़ देना है। तो मैं ना तो एएमसी से हूँ, ना मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन से हूँ, ना मैं डिसेबल हूँ, तो इसको मैं नॉन ही करके रखता हूँ। ये मैंने नॉन करके रखा है। और इसमें बाद में आई एग्री में क्लिक करना है। आई एग्री में जैसे क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा यू वंस, अगर आपने एक बार फॉर्म सेव कर दिया तो आप इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करना है। तो ये न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे, जैसे न्यू एप्लीकेशन में क्लिक किया तो एप्लीकेशन जनरेटेड सक्सेसफुली, प्लीज फिल डिटेल्स एंड सबमिट एप्लीकेशन, इसको भी ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे पर्सनल डिटेल आपको देख लेनी है, हमने सारा भर दिया है कि नहीं। पहले पर्सनल डिटेल भरना है, तो इसमें नाम आपका भरना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इसके बाद मदर का नेम भरना है, फादर नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, रिलीजन आपने डाल देना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है। इसके बाद मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आएगा, ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आएगा। अगर आधार नंबर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो ये खाली छोड़ दें। जिसमें ये रेड कलर का स्टार बना है उसी को भरना जरूरी है, बाकी खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भर देते हैं तो भी अच्छा है, नहीं भरते तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड डालना है, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क को डालना है जो आपके शरीर में है। इसके बाद किस स्टेट की डोमिसाइल है वो स्टेट डालना है। इसके बाद एड्रेस अपना डाल देना है, फिर नीचे आना है, नीचे आएंगे और सबमिट कर देंगे। तो इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि हर बार आपको सेव में क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, जैसे मैंने ये भर दिया है पूरी डिटेल, इसके बाद सेव में जैसे क्लिक करता हूं तो वो पूछेगा कि आप सेव सक्सेसफुली आ जाएगा, फिर ओके कर देना है। तो पहली डिटेल मैंने ये पर्सनल डिटेल भर दी थी, अब मैं एजुकेशन डिटेल भरूंगा, फिर इसके बाद अदर डिटेल भरूंगा, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, फिर डिक्लेरेशन होगा, इस तरह से आपका फॉर्म भरेगा। तो पहली डिटेल भर चुकी है, अब दूसरे में क्लिक करते हैं एजुकेशन डिटेल। एजुकेशन डिटेल में 10th की मार्कशीट को डालना है, इसमें जरूरी है, बाकी आप कुछ ना डालें चलेगा। तो 10th का रोल नंबर डालना है, कौन से कॉलेज स्कूल से किया वो डालना है, स्टेट डालना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी डालनी है, पासिंग ईयर कब पास हुए हैं, टोटल मार्क डालने हैं। अगर आपको ग्रेड सिस्टम था तो ग्रेड सिस्टम में क्लिक करना है, नहीं तो परसेंट सिस्टम था, मार्क परसेंटेज वाला सिस्टम था तो इसमें क्लिक करना है। तो मैंने टोटल मार्क डाले हैं 600 का, 10th का था मेरा, और नंबर आए थे 384 नंबर। तो टोटल ऑटोमेटिक एग्रीगेट परसेंटेज आ जाएगा 64। ये जो जो परसेंटेज वाले हैं तो इसमें डालना है, नहीं तो ग्रेड वाले हैं तो इसमें क्लिक करना है। इसके बाद आप दूसरे में कुछ डालने की जरूरत नहीं है, आप भरना चाहें तो अदर डिटेल भर सकते हैं। इसके बाद किसी तरह का आपको एक्सपीरियंस है तो डाल सकते हैं। तो मैंने एक एक्सपीरियंस आर्मी का वो लिख दिया है, आप इसको भरें या ना भरें कोई इसमें दिक्कत नहीं, ये खाली भी छोड़ सकते हैं। भर देंगे तो और भी अच्छा है, जो आपने काम किया है उसके बारे में आपको भर देना है इसमें। नेक्स्ट, अदर डिटेल में क्लिक करना है। जैसे अदर डिटेल में क्लिक करेंगे आपको एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछेगा कि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो ये डिटेल आपको भरनी है, किस सर्विस से हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वो डालना है, डेट ऑफ इनरोलमेंट जब भर्ती हुए वो डेट, रिटायरमेंट डेट डालनी है
और ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा आपकी सर्विस कितनी हुई है। इसके बाद एक चीज और डालना है, डिस्चार्ज बुक, ऑर्डर नंबर, यानी कि एनओसी, अगर कोई आर्मी में रहते रहते अप्लाई कर रहे हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको एनओसी का नंबर डालना है, डिस्चार्ज बुक का नंबर डालना है या एनओसी का नंबर डालना है। अगर सर्विस करते हुए आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको वो नंबर डालना है। इसके बाद अदर डिटेल्स में जो रिटायर हुए हैं, उसके बाद जिला सैनिक बोर्ड से आपको एक आई कार्ड मिला होगा, उसका आई कार्ड का नंबर डालना है। इसके बाद कब इशू हुआ है वो डालना है, उसमें लिखा होता है आई कार्ड में, देखना है इशू डेट, डेट लिखी होगी, अथॉरिटी कौन है, ओआईसी जिला सैनिक बोर्ड डाल देना है, स्टेट किस स्टेट का बना है और कौन से डिस्ट्रिक्ट का जिला सैनिक बोर्ड है। इसके बाद इसमें यस कर देना है, लाइफ टाइम वैलिड है तो यस कर देना है, इसमें एक्स सर्विसमैन यस ही करेंगे। इसके बाद इसमें नो करके रखना है, और इसको नो करके रखना है, एक्स सर्विसमैन को इतना ध्यान रखें। नेक्स्ट आपको अपलोड डॉक्यूमेंट, अब मेन काम आ गया, अपलोड डॉक्यूमेंट में इसमें क्लिक करेंगे, जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कि फोटो अपलोड करो, सिग्नेचर अपलोड करनी है, आईडी कार्ड, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो ये जो साइज होंगे, इस इतने साइज पहले की ही बना के रखें, 10 से 25 KB की फोटो होनी चाहिए। आप लाइव भी फोटो अपलोड कर सकते हैं या पहले आपने खींच के रखी है तो उसको अपलोड कर देंगे। ये मैंने सारी चीज अपलोड करके फिर डिक्लेरेशन में भरता हूँ, तो ये मैंने अपलोड करके डिक्लेरेशन में आता हूँ। डिक्लेरेशन में हमें ये देना है कि कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने हैं, तो आप 5 एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं, तो मैंने ये 5 चूज कर लिए हैं। और पोस्टिंग का प्रेफरेंस देना होगा आपको, 7 पोस्टिंग आपको प्रेफरेंस देनी है, 7ों मैंने भर दी है। इसके बाद ये डिक्लेरेशन में ये दोनों कॉलम में टिक कर लेना है, और इसके बाद प्लेस का नाम, जिस जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डाल देनी है। इसके बाद ये कैप्चा कोड फिल कर देना है। इसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट में क्लिक करना है। जैसे प्रीव्यू और सबमिट में क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म सक्सेसफुली भर चुका है, लेकिन आपको लास्ट में सबमिट बटन में क्लिक करना है। प्रिंट भी ले सकते हैं, लेकिन सबमिट करने के बाद प्रिंट लें, क्योंकि सबमिट फाइनल तभी माना जाएगा। सबमिट बटन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट सबमिट हो जाएगा, और इसके बाद आप प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्म भरा जाएगा। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।